कोई भी आपको हेल्प चाहिए, ये भैया बिल्कुल निशुल्क करते हैं, बस केवल आने जाने का इनको खर्चा दे देना और इनको कोई शुक नहीं है। लेकिन ये शौकीन है, सांपों के बारे में पूरे जानकार है और बहुत अदम्य तरीके से सांप को पकड़ लेते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस जैसा नवयुग हमारे मनादा तहसील की शान है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ फुकार तो मारेगा ना वो, और ये फुकार ना भैया फुकार ना बहुत ही खतरनाक है। जय हो नागदेव की, जय हो। कोई दिक्कत नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार जी, एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप तो अच्छे होंगे और मैं स्वस्थ नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल की कंडीशन में ठीक नहीं हूँ। और दोस्तों ऐसे वक्त में मेरे पास दो कॉल आए थे, मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाया और लोगों ने जो है बड़ी आसानी से उन बेजुबानों को मौत के घाट उतार दिया। तो आपसे मेरी बस एक हाथ जोड़कर विशेष अपील है कि जैसे एक विष खोपड़ा है, चंदन गोयरा है, मोनेटरी लिजार्ड है, तो इसमें जो है किसी प्रकार का वेनम नहीं होता है, तो इसे आप न मारिए और बचाइए हमेशा। और एक और जो सांप था जो कि मेरे हिसाब से कॉमन ट्रिंकेट स्नेक था, उसे भी लोगों ने मार दिया। तो आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि ऐसे सांपों को आप मारिए मत, इन्हें पहचानिए। और जो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, ऐसे सांप जो है वही आपको बाइट करते हैं, और ये जो सांप है इनमें जहर नहीं होता है और इनसे लोग केवल डर के कारण मर जाते हैं, तो ये वैसे ही निकल जाते हैं साथियों। तो आज मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है गांव अरनिया चंद्रावत, जो कि मनासा मंदिरों की नगरी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है, और वहां पर जो है लोग एक सांप को बचाने के लिए तत्पर हैं और मैं निकल चुका हूं उन्हें बचाने के लिए। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, सीधा चलते हैं गाँव अरनिया। साथियों हम निकल चुके हैं गांव अरनिया के लिए, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी घना रास्ता है यहां पर, और यह गांव भी है काफ़ी पुराना है। और मैं उनसे रूबरू करवाना चाहूंगा जिन्होंने मुझे बुलाया है, तो सबसे पहले हम परिचय करेंगे भैया से। तो क्या नाम है सर आपका? सर ईश्वर दायमा मेरा नाम है जी, फ्रॉम अरनिया चंद्रावत से हूँ मैं जी। भाई प्रकाश को हमने पिछले करीबन घंटे भर से हमारे घर के अंदर सांप ने दस्तक दे दी है, तो हमने भाई को बुलाया रेस्क्यू करने के लिए जी जी। तो ठीक है दोस्तों, अब फटाफट के अंदाज में बिना विलंब के सीधा उसे रेस्क्यू करने के लिए हम चलते हैं। और सांप को देखा जाए तो ये जो है एक सीढ़ी चढ़ी हुई है मकान के ऊपर चढ़ने के लिए, और उसी के नीचे जो है काफ़ी कबाड़ रखा हुआ है, उसी के अंतर्गत एक सांप ने अपनी दस्तक दी है। तो आइए मेरे साथ सीधा देखते हैं आखिर कौन सा सांप है, और बिना विलंब के सीधा हम उसे निकालते हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, आइए मेरे साथ सीधा चलते हैं रेस्क्यू करने के लिए। पहले इधर देखो, क्या देखा? सांप। सांप कितना बड़ा है, तो डर नहीं लगता उससे? नहीं लगता है? अरे वाह शाबाश। नहीं वो उधर आगे चला उसको। ये ले लो ये वो बैटरी। मुंह ऑन साइड है वो, कहीं दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही आसान सा रेस्क्यू होगा, क्योंकि सांप जो है इस वक्त देख सकते हैं आप लोग, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि इस पाइप के अंदर चला गया है। और वीडियो देखकर जीवन में कॉपी न कीजिए, नहीं तो आपके प्राण बड़ी आसानी से जा सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग इसकी फुंकार देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है बहुत ही अच्छा रेस्क्यू है हमारे लिए, क्योंकि सांप जो है सीधा पाइप के अंदर बैठा हुआ है। और ये देखिए आप लोग इसकी फुकार जो देख सकते हैं आप लोग साथी, ये है नागिन और इसे लोग अक्सर डरते हैं। भाई साहब थोड़ा उजाला कीजिएगा। तो साथियों फटाफट के अंदाज में इसे हम ले चुके हैं बाहर की तरफ, और
दोस्तों ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग या नागिन, और इसे जो है गांव के लोग अक्सर नागिन कहते हैं। और यह जो है काफी क्रोधित है अभी की कंडीशन में देखा जाए तो। यह हमारे लिए बहुत ही आसान सा रेस्क्यू है, क्योंकि ये सीधी इस पाइप के अंदर चली गई थी और बहुत ही अच्छा प्रयास रहा हमारा, सफल रहा रेस्क्यू। साथियों देख सकते हैं इसमें हम वेनम की बात करें तो इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है, जो कि इंसानों के लिए और जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। और वीडियो देखकर जीवन में कॉपी ना कीजिए, नहीं तो आपके प्राण बड़ी आसानी से जा सकते हैं। साथियों ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे ऊपर जो है हमला करने का प्रयास कर रही है। साथियों जब यह सांप अगर ऐसी फन निकालने की स्थिति में आ जाता है तो आपको समझना चाहिए कि ये अपने आप को एक विकराल रूप दिखाना चाहता है और अपने आप को किसी से कम नहीं बताना चाहता, क्योंकि ऐसे समय में इसकी चमड़ी जो है हल्की सी छुपी हुई है। तो चलिए दोस्तों फाइनली फटाफट के अंदाज में इसे हम पैक करते हैं और ले चलते हैं इसको इसकी प्रकृति में रिलीज करने के लिए। और इसका होगा अक्सर इंडियन स्पेसिफिकल कोबरा तीन प्रकार का पाया जाता है, इसमें से एक ये देख सकते हैं इसकी पीछे जो है चश्मे जैसी आकृति नहीं बनी है, लेकिन यह जितना जो चश्मे जैसी आकृति वाला इंडियन स्पेसिफिकल कोबरा होता है उसी की तरह यह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक है। और इसमें भी है न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, देख सकते हैं आप लोग। साथियों वीडियो देखकर जीवन में कॉपी ना कीजिए, नहीं तो आपके साथ खतरा हो सकता है। और मैं अगर इसके साथ अभी किसी प्रकार की कोई छेड़खानी करता हूँ तो यह मुझे बड़ी आसानी से बाइट कर सकता है। देखिए साथियों ये अपने आप को अभी जो है सुरक्षित महसूस कर रही है, इसके साथ किसी प्रकार की लापरवाही करता हूँ तो ये बाइट कर सकती है और ये मेरे लिए बहुत ही खतरनाक और घातक सिद्ध हो सकता है। देख सकते हैं साथियों बहुत ही खतरनाक है और इसका बाइट करने का तरीका जो है बहुत ही खतरनाक है। चुप, और जीवन में वीडियो देखकर कॉपी ना कीजिए, नहीं तो आपके प्राण जो है बड़ी आसानी से जा सकते हैं। देख सकते हैं साथियों और ये दोस्तों अभी की कंडीशन में देखा जाए तो यह जो है लगभग 2 से 3 फीट के समथिंग इसकी जो है लंबाई है और इसने जो है अभी जो है भोजन कर रखा है, चूहा इसने खा रखा है, देख सकते हैं साथियों आप लोग। तो चलिए दोस्तों इसे जो हम पिक करते हैं और ले चलते हैं इसको इसकी प्रकृति में रिलीज करने के लिए। और साथियों यह जो है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो है अधिकतर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भूटान, जर्मनी जैसे अनेकों देशों में पाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और यह जो है सांप अगर आपको बाइट करता है तो आपको तुरंत पहुंच जाना है जिला अस्पताल और अपना जो है इलाज करवाना है, न कि झाड़फूंक के चक्कर में रहना है। अगर झाड़फूंक के चक्कर में रहोगे तो आप बेशक मारे जाओगे। आपको हमेशा जो है यह सांप बाइट करता है तो तुरंत चले जाइए आप जिला अस्पताल, और 1 घंटे का आपके पास समय होता है, 1 घंटे के बाद आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं तो आपके प्राण बड़ी आसानी से बच सकते हैं। और यह सांप अगर आपको बाइट करता है तो इसमें जो है 1 गुना जहर चढ़ता है, और अगर आपको वोमन क्रेट बाइट करता है तो इसके मुकाबले 5 गुना जहर उसमें अधिक होता है, और उसी वजह से लोग जो है वो जो है चेटी की तरह बाइट करता है और बड़ी आसानी से लोगों को पता नहीं चलता है, और उसके लक्षण जो है काफ़ी समय बाद पता चलते हैं और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और लोगों के प्राण बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी इसे जो हम पैक करते हैं तो डिब्बा दी भी खोलो ढक्कन। तो साथियों वीडियो देखकर जीवन में कॉपी ना कीजिए, नहीं तो आपके साथ खतरा हो सकता है, आपके प्राण जो है बड़ी आसानी से जा सकते हैं। और यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं और यहाँ आपको गलती नहीं करना है। देखिए बाहर अपना मुंह निकाल लिया इसने, लेकिन हम इसे सुरक्षित छोड़ने वाले हैं। साथियों आज इसे हमने रेस्क्यू किया है गांव अरनिया चंद्रावत से, जो कि मनासा तहसील से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जीवन में वीडियो देखकर कॉपी ना कीजिए, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर करना ना भूलें। और कभी भी जो है जीवन में सांपों के साथ छेड़खानी ना कीजिए। लोग अक्सर मैंने देखा है कि कहीं धुआं कर देते हैं, कहीं ऐसी चीज़ें जला देते हैं जिससे सांप को जो है काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी क्रोधित होता है, क्योंकि इनकी जो है पलकें नहीं पाई जाती है और पलके न होने के कारण धुआं सीधा इनके आंखों में प्रवेश करता है और उसके पश्चात जो है सांप जो है काफ़ी क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होने के बाद अगर आप इसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी करते हो या इसके करीब जाते हो तो ये तुरंत आपको बाइट कर सकता है। दोस्तों वीडियो देखकर जीवन में कॉपी न कीजिए, नहीं तो आपके प्राण बढ़ी आसानी से जा सकते हैं और गलती हमेशा यही होती है। तो चलिए दोस्तों फाइनली इसे हमने पैक कर लिया है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, आपके गांव का नाम शहर का नाम जरूर डालें कमेंट बॉक्स में। चलिए इसे ले चलते हैं, इसको इसकी प्रकृति में रिलीज करने के लिए। आइए मेरे साथ, थोड़े छेद कर देते हैं क्योंकि इसमें छेद जो है काफ़ी कम है और मैं प्रॉपर तरीके से ध्यान रखूंगा क्योंकि सांप के साथ हल्का सा स्क्रैच हो सकता है और मेरे साथ जो है मेरी डिब्बी अवेलेबल नहीं थी तो यहाँ इमरजेंसी में मैंने यहीं पर डिब्बी की व्यवस्था की है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ के लोग जो है काफ़ी अच्छे हैं, एक सांप को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि एक बेजुबा जीव की जान इन्होंने बचाई है आज और हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों ये जो है छेद इसलिए करना रहता है क्योंकि इंसान हो चाहे सांप हो कोई भी जीव हो उसे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत है और इसे भी जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर मैं छेद नहीं करता हूँ तो इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ये घुट घुट कर मर जाएगी और ऐसा हम नहीं करना चाहते और इसमें हम छेद कर दिया हमने और इसे तुरंत हम रिलीज़ करने वाले हैं प्रकृति में। रिलीज करेंगे हम इसको, हमारे गांव के नजदीक नदी है जो में उसके पास में हम इसको रिलीज करेंगे जो इसको खाना दाना मिल सके। तो फटाफट के अंदाज में हम जो है एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को रेस्क्यू करके लेकर आए हैं और इसे जो है हम प्रकृति में रिलीज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे हम बाहर निकालते हैं। काफ़ी घबराहट महसूस हो रही है क्योंकि छेद जो है काफ़ी छोटे हैं और गर्मी का माहौल है तो ऐसे में जो है सांप के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी ना करें और इसको थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग करीब से देख लीजिए, ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भारतीय नाग या नागिन और इसके बाइट करने के तुरंत पश्चात आपके प्राण जो है घंटे के भीतर बड़ी आसानी से जा सकते हैं। साथियों देखिए, आप लोग देख सकते हैं अभी फ़िलहाल की कंडीशन में यह जो है अपना विकराल रूप दिखाना चाहता है, आपको डराना चाहता है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों फाइनली इसे जो हम बाहर निकालते हैं। साथियों ये देख सकते हैं आप लोग, गलती यही होती है और ऐसे में गलती करना आपके लिए कभी कभी महंगा पड़ सकता है। साथियों इसकी जो है हम पलकों की बात करें तो इसकी पलके नहीं होती है क्योंकि इंसानों की पलके होती है, इनकी पलके नहीं होती हैं। तो चलिए दोस्तों इसे बाहर निकालते हैं हम अब। साथियों देख सकते हैं आप लोग, यह है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भारतीय नाग और साथियों मेरे हाथों में अभी मौजूद है और इसने जो है भोजन किया हुआ है, चूहा इसने खा रखा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और यह जो है इसे उगलने का प्रयास कर रहा है। तो देख सकते हैं साथियों आप लोग, और बारिश का मौसम है काफ़ी ख़तरनाक और गर्मी है, ऐसे समय में बहुत ही ख़तरनाक होती है और ऐसे में जो है ये सांप जो है आपके घरों तक आ जाते हैं। और इसके दांत आप करीब से देख लीजिए एक बार, देख सकते हैं और साथियों देख सकते हैं, गुड। इसने जो है एक मेंढक को अपना शिकार बनाया है और अब ये अपने आप को एकदम कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो ये देखिए साथियों, देख सकते हैं आप लोग, दोस्तों यह है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और इसमें जो है हम वेनम की बात करें तो न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है। यह सांप जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, जर्मनी जैसे अनेकों देशों में पाया जाता है और यह दोस्तों विश्व में देखा जाए तो यह चौथे नंबर का सबसे जहरीला सांप है और इसमें जो है इसका जो वेनम रहता है न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम रहता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और जैसे ही अपने देखा होगा कि जो
कॉमन क्रेट सांप है उसके मुकाबले इसमें एक गुना वेनम पाया जाता है और उसमें जो है 5 गुना अधिक वेनम पाया जाता है। यह आपको बाइट करेगा तो इसको मैं लक्षण दिखा देता हूँ आपको। अगर ये बाइट करेगा आपके साथ किसी प्रकार की अगर छेड़खानी करोगे तो ये तुरंत ही आपको बाइट करेगा और बाइट करने के तुरंत पश्चात ये जो है 30 सेकंड तक आपको पकड़ कर रखेगा और अपना जो जितना वेनम है वो आपके शरीर के अंदर तक प्रवेश करेगा। और ऐसे में जो है आपके समय में जो है आपके शरीर के अंदर जैसे ही वेनम प्रवेश करता है आपकी हृदय गति रुक जाती है, आपकी सांसें चलना थोड़ी कम हो जाती है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं और जहाँ इसने बाइट किया है वहाँ पर जो हल्के हल्के काले काले धब्बे बन जाते हैं और पूरा अगर पैर है तो उजन आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको समझना चाहिए कि आपको वाकई में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ने बाइट किया है और ये जो है नागिन है, लोग इसे अक्सर तेल की धार भी बोलते हैं। और इसने जो है अभी इसका कैचुली का जो समय था वो निकल चुका है और यह सांप जो है लगभग एक साल में 2 बार अपनी कैचुली निकालते हैं अन्य सांपों की तुलना में। और यह समय जो है इसके लिए काफ़ी कष्टदायी होता है, काफ़ी दुखदायी होता है क्योंकि इसको कैचुली निकालने के लिए अपने आप को किसी पत्थर से रगड़ लगानी पड़ती है और रगड़ लगा कर ये बड़ी आसानी से धीरे धीरे अपने जबड़े के स्थान से जो कैचुली है उसे निकालता है। और निकालने के तत्पश्चात यह जो है काफ़ी खूबसूरत और चमकेला दिखाई देता है, अट्रैक्टिव, और दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही भयंकर है और उतना ही खतरनाक है। ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। देखिए साथियों, जीवन में वीडियो देखकर कॉपी न कीजिए, नहीं तो आपके प्राण जो है बड़ी आसानी से जा सकते हैं। साथियों, मैं आपको ऊपर उठाकर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी लंबाई आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और ऐसा उठाना मेरे लिए उचित नहीं है क्योंकि इन्हें जो है चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो यह जो है इसका जो है रक्त स्त्राव नीचे की तरफ आ जाएगा तो उसी से इसे थोड़ी तकलीफ होगी। हम इसे ऊपर की तरफ नहीं उठाते हैं, हल्का सा आपको दिखा सकते हैं हम। ये देखिए साथियों, ये देखिए, और इसे जो है गांव के लोग अक्सर नागिन कहते हैं और विज्ञान इसे नाजा नाजा के नाम से जानता है और इसे कहीं ना कहीं गेहूवन सांप बोला जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि ऐसे सांपों की पूजा की जाती है और इसे जो है भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। तो आप जो है अगर भगवान शिव को मानते हैं तो इन्हें मारते क्यों हो, इन्हें हमेशा बचाने के लिए तत्पर रहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट के अंदाज में इसे हम अब छोड़ते हैं प्रकृति में और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जीव को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आइए मेरे साथ, सीधा इसे हम रिलीज करते हैं। गति काफी तेज है इनकी, गति गति। तो साथियों, आज हमने जो है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को रेस्क्यू किया है अन्या चंद्रावत से। तो ये भाई साहब हैं विनय जी मालपानी मनासा के और दैनिक भास्कर के संवाददाता है, ये आए हैं न्यूज़ बनाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इनसे हम परिचय करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं विनय मालपानी, दैनिक भास्कर देखता हूँ। और आज भैया ने इन्हें जो सांप पकड़े हैं, पहले भी एक दो सांप मेरे सामने पकड़ चुके हैं, आज मेरे सामने पूरा लाइव किया, जिस साहस और जिस तरीके से इन्होंने किया है वाकई में वो बहुत तारीफ़ काबिल है। और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए और जो ज्ञान है इनको सांपों के बारे में है, इंडियन है, बाहर का है, विदेशी है, कोबरा है, वो बिल्कुल। और इनके यूट्यूब चैनल को मैं देखता रहता हूँ और इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप भी इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी इनका नंबर है, इनका नंबर यूट्यूब पे अभी आता रहेगा। विनय जी भाई साहब, और चलिए दोस्तों, अब जो है आप देख लीजिएगा न्यूज में और कल की न्यूज हमारी यही रहेगी, दैनिक भास्कर में कल के छपेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में सांपों को पकड़ते हुए बचाते हुए इन बेजुबानों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय।